थैंक गॉड भाई तूने फ़ोन उठाया। मतलब यार मैं तो मतलब इतना परेशान हो रहा था ना, कॉन्फिडेंस की बिल्कुल लगी पड़ी है। अबे क्या बताऊँ यार, 2 से 3 महीने हो गए लड़कियाँ देख रहा हूँ यार शादी के लिए यार, और एक भी लड़की ऐसी नहीं जिसने मुझे पसंद किया हो। अबे डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं यार इन लड़कियों की, रिच मैन, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, अ नाइस ह्यूमन बींग। भाई इन लड़कियों को कोई समझाओ, शहतूत केले पपीते खरबूजे सब एक ही पेड़ में नहीं उगते। चल यार जाता हूँ थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, देखता हूँ क्या होता है। ठीक है बाय। लड़के से मिल लो, उस लड़के से मिल लो, तुम्हारी उम्र होगी है शादी की। यार आई एम जस्ट 25 इयर्स नेहा। हाँ कहा था मैंने, तो पता क्या कहते हैं बेटा, अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं, आज देखना शुरू करोगी तो कहीं जाके 3 साल में मिलेंगे। लड़का ना होगा जिसे बिल्डर फ्लोर हो गया कि आज देखने चलेंगे तो कहीं 3 साल बाद पोजीशन मिलेगा। झापड़ी गए हंसता ही रहेगा या आगे भी कुछ बोलेगा? जी माय नेम इज रंजीत, आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम CBS। अबे इससे बढ़िया मार्कशीट ही क्यों नहीं दे देता अपनी। आपने क्या किया? बहुत कुछ नहीं, मतलब मैं मतलब स्टडीज में आपने क्या किया? हाँ मेरा मतलब भी वही है, बहुत कुछ करा है मैंने क्वालिफिकेशंस में, ग्रेजुएशन, MBA और भी बहुत तरीके की क्वालिफिकेशंस है मेरे पास। अबे भुक्कड़, एक दिन पास्ता नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। आपको खाना बनाना आता है? मुझे बनाना खाना आता है। ओह व्हाट अ जोक। छी इतना घटिया पीछे मन कर रहा है अभी जान ले लूं इसकी। I'm just joking. मुझे खाना बनाना आता है। But tell me one thing. तुम्हें खाना बनाना आता है? Because I believe in gender equality. मैं भी लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं करता। क्या? अब मैं भी अभी इधर ना, I also believe in gender equality. वैसे आपका कोई रिलेशनशिप वगैरह? जी हाँ 3-4 बार आई थी रिलेशनशिप में, लेकिन फिर वही रिलेशनशिप्स में बसड़। और तुम्हारे कितने रिलेशनशिप्स रहे हैं वैसे? जी मैं तो प्रिया जी, एक्चुअली मैं शुरू से ही बॉयज स्कूल में पढ़ा हूँ और फिर कॉलेज बॉयज हॉस्टल, और अब जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ भी बहुत कम ही लड़कियाँ हैं जो हैं, बाकी ज़्यादातर जो स्टाफ है वो लड़कों का ही है। बेहद दुखी कहानी है आपकी। तो कोई हंसी नहीं मुझसे आज तक? हंसी नहीं, फंसी क्यों होता है, औरत ज्यादा सत्कार करना आंदा कि नहीं, सेट हुई कई दजे। मतलब मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। जी एक चीज पूछना चाहता था कि आपने कभी किसी रिलेशनशिप में कभी क्या, यही पूछना चाहते हैं ना कि मैंने कभी किसी रिलेशनशिप में साला गंदा दिमाग। देखिए प्रिया जी, अगर आपको ऐसा लगा तो मैं माफी मांगता हूँ आपसे, लेकिन मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, आप मुझे गलत समझ रही हैं।
मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि किसी भी रिलेशनशिप में आपका कभी दिल तो नहीं टूटा जहाँ आपको रिकवर होने में टाइम लगा हो, क्योंकि आपका किससे रिलेशनशिप है, आप किसके साथ कब तक थी, क्या किया आप लोगों ने, वो मैटर नहीं करता मेरे लिए। मेरे लिए ये मैटर करता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड ठीक है कि नहीं, आप किसी रिलेशनशिप से डिस्टर्ब तो नहीं हुई। दैट्स व्हाई मैं बस वो जानना चाह रहा था। आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो, अगर आपकी गलती नहीं है। एक्चुअली जनरली हर लड़की लड़कों के बारे में ऐसे ही सोचती है। मुझे लगता है शायद मुझे अब चलना चाहिए। थैंक यू, इट वॉज नाइस मीटिंग यू। रंजीत सुनो, देखा आज आए हैं माँ बाप के संस्कार काम। यहाँ से पहले बहुत सारी चीजें चल रही थी मेरे दिमाग में नेगेटिव, बट आई लाइक यू, मुझे काफी ऑनेस्ट लगे आप, और वाकई तुम बाकी लड़कों से बहुत अलग हो, एंड आई एम हैप्पी कि हम लोग मिले। किसी ने सच ही कहा कि जिसका कोई नहीं होता उसकी अरेंज मैरिज होती है। तो बस घबराइए मत, आपके लिए भी कोई ना कोई बना ही होगा। सो गाइस, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अरेंज मैरिजेस भी कुछ बुरी नहीं है। अगर आपके मम्मी पापा ने आपके लिए लड़का देखा है तो आप भी उससे मिल सकते हैं। यू नेवर नो, क्या पता मटेरियल अच्छा हो, क्या पता वो लड़का या लड़की आपके आसपास ही घूम रहा हो। खैर, एंड The moral of the story is you have to subscribe our channel Stories Make Sense, और अगर आपको like, अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज़ like का बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आपको बुरी भी लगी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या पार्ट आपको अच्छा लगा और क्या पार्ट आपको बुरा लगा। And don't forget to press that bell icon so that we can keep you updated all the time.